स्वामी विवेकानंद ने 1893 94 95 में अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखा कि 1836 में जब रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ तो स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। और ऋषि अरविंद ने कहा युग संधि का काल 175 वर्ष का है। दिन और रात के बीच में जैसे संध्या काल होती है, रात और दिन के बीच उषक काल होता है, उसको युग संधि का काल कहते हैं। वैसे एक युग समाप्त होकर के दूसरा युग प्रारंभ होने के बीच का काल युग संधि का काल है, वो 175 वर्ष का है। 1836 में 175 जोड़िए तो 2011 आ रहा है। 2011 से भारत का भाग्य सूर्य संपूर्ण विश्व के अंदर चमकना शुरू हो जाएगा और भारत संपूर्ण विश्व को और विश्व बंधुत्व का संदेश देकर एकता के सूत्र में गूंथने का प्रयत्न करेगा। लेकिन उसके पहले ये आसुरी शक्तियां हमको नष्ट करने का प्रयत्न करेंगी और उनके प्रयत्न चालू हैं, लेकिन उससे हम लोग जो ये करने वाले नहीं हैं। कभी एक थे हम हुए आज इतने, अरे नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सन्मुख अंधेरा टिकेगा, कि निडर है सभी हम अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता गगन में लहरता ये भगवा हमारा।